हुकूमत जो है ना फेल हो गई है, वो खिलाफ हुकूमत है, इनको चाहिए कि इकदार छोड़ दें, इनके बस का काम नहीं है। पेट्रोल कोई रात को किसी ने पी के नहीं सोना, किसी ने खा के रोटी सोना वे। एक महीना 1 रुपया घटाते ने, दूसरे महीने 13 रुपये बताते हैं, क्या फायदा। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या खा लेंगे सौदा खाने तो हम जेब खाला सौदा कर लेगा तो हो गया। छोड़ ये फेरे, ये दुनिया छोटी लोग लुटेरे। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत जो है 25 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है और डीजल में 21 रुपये तक इजाफा किया गया है। पेट्रोल का बहरान जो पैदा हुआ था उसका हुकूमत ने हल निकाल दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बड़े माफिया के आगे घुटने जो है टेक लिए हैं। इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये जो है इजाफा हुआ है, शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शिया उर्दू नौज की कीमतों में इंतहाई इजाफा होगा। अवाम जो पहले महंगाई की चक्की में पिस रही है, इसकी वजह से और अवाम की मुश्किल में इजाफा होगा। शहरियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने पर उनकी क्या राय है। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो ना 10 रुपये सस्ता करते हैं पेट्रोल और 20 रुपये महंगा करते हैं, आज 25 रुपये महंगा हुआ है, और ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो खिलाफ हुकूमत है, इनको चाहिए कि इकदार छोड़ दें, इनके बस का काम नहीं है। ये चाहते हैं कि मियाँ साहब की जो हुकूमत थी वो बहुत अच्छी थी, सारे मामला उनके कंट्रोल में थे, ये इनका काम नहीं है हुकूमत करना, इनका काम है क्रिकेट खेलने तो क्रिकेट खेलना चाहिए। पहले पेट्रोल मेरे ख्याल राउंड अबाउट 75 रुपीज़ था, तो किसी को मिल नहीं रहा था, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल ही मिलता था। कोई एमरजेंसी मिल जाए तो जनाब कोई यानी आपका कोई सुनने वाला नहीं है। अब मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट ने 25 रुपये ज़्यादा कर दी है, तो अब पेट्रोल सरेआम मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये हुकूमत जो है ना अब फेल हो गई है, इसको चाहिए कि ये जनाब अब ख़त्म कर दें, क्योंकि इमरान खान एक बंदे से काम नहीं चलता। इमरान खान जस्ट इनमें से एक सिंसियर बंदा है, बाकी आगे जितने बैठे हैं वो खाने वाले बैठे हैं। तो मेरी यही अपील होगी कि इमरान खान अपने आप को इन सब के बीच में रख के ना गंदा करे, लिहाजा है कि वो एक किनारा कशी का ना खौफ करे। उधर गर्मी बड़ी है, कोरोना उधर महंगाई है, सारे पता है मुसीबत। तो महंगा हो गया, क्या खाने के सौदा खाने तो हम जेब खाला सौदा खड़े कर तो हो गया। तो 1 महीना 1 रुपया बताते ने, दूसरे महीने 13 रुपये बताते हैं, क्या फायदा। इन्हों का काम ये भी कम अज कम दाल साग रोटी जी सस्ती करनी चाहिए, आटा सस्ता करना चाहिए, पेट्रोल महंगा कर दिता ने। जेटा पेट्रोल उन्होंने महंगा देना सारी गल, दूसरी चीज़ा उन्होंने महंगाई करनी ही करनी ने। पेट्रोल सस्ता कर, महंगाई घटा, आवाम को सुख बने। ये नवी हुकूमत आई है, नवी हुकूमत का किड़ा फायदा जो कभी 4 दिन सस्ता, तो जो सस्ता हो जाए तो लभना ही नहीं होता। और लैणा में जाकर 50-50 रुपये का इन्होंने पेट्रोल देना, भी किश्तों से जाकर देना, ना बंदा अगे जान जोगा ना पिछे जान जोगा। हूँ इन्होंने महंगा कर दिता भी, यकदम इन्होंने सौत भी अपर लै गए, आ किसी में ना आटा किसी ने मिल रहा, ना चीनी मिल रही है, खा के तो किसी ने आटा ही सौना, मेरा कणक खा के किसी ने सौना, रात पेट्रोल तो नहीं ना किसी ने पी के सौना। ताकि पेट्रोल सस्ता हो, चीज़ा सस्तियाँ होनगी, किराए घटन गए, आ के आवाम जी सुख में आ जाएगी, आवाम इन्हों की फेवर करेगी। इंदा बाद अगू भी वोट लैन गए तो आवाम इन्हें देगी, तो जे आवाम इसे इन्होंने 5 साल आवाम को लंघा कर रख छोड़ेंगे, आवाम इन्हों का निर्णय लंघे थी। लोगों का यही कहना था कि हुकूमत अगर रेट बढ़ाती है तो 20-25 रुपये तक इजाफा किया जाता है, अगर कमी की जाए तो 2-3 रुपये कमी की जाती है। कैमरामैन मनीष सुल्तान के साथ श्याम राठौर, स्काई न्यूज़, सराय अलमगीर। छोड़ ये फेरे।